أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي لبطهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات سورة بقرة کی آیت نمبر 208 یہ سرنامہ سخن ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو ادخلوا فی السلم کافہ سب کے سب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی راہوں کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس عشرے میں میرا موضوع جس کے اوپر گفتگو ہوگی اور کل مجلس بھی اسی عنوان سے آپ نے سماعت کی، موضوع ہے اسلام اور امام حسین علیہ السلام۔ میں نے کل کی مجلس میں تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ اسلام کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، اور خود امام حسین کا اسلام سے کیا رابطہ ہے۔ یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کیا ضرورت ہے کہ امام حسین سے اسلام کو جوڑ کر کے گفتگو کی جائے، کون سی ایسی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو امام حسین سے جوڑ کے گفتگو کریں، اسلام اور امام حسین، حسین اور یزید، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ علمی میدان میں ہر زاویے سے بحث کی گنجائش ہوتی، اور جتنا زیادہ اسلام روشن ہوگا حسینیت روشن ہوگی، جس قدر صحیح اسلام پر گفتگو ہوگی اسی قدر امام حسین بھی پہچانے جائیں گے۔ اگر آپ یا ہم یا دنیا کا کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کوئی الگ چیز ہے اور امام حسین کوئی الگ
शख्सियत का नाम है, तो फिर वही इस्लाम हमेशा ज़हन में आएगा जिस पर हमें भी एतराज़ है। और अगर कोई सही इस्लाम जानना चाहता है तो हुसैन के बग़ैर सही इस्लाम नहीं जान सकता। मोटी सी बात यह है कि इस्लाम दो चीज़ों का मजमूआ है, एक इल्म, एक उसका प्रैक्टिकल, एक नज़रिया और एक उसका अमली किरदार। अगर इन दोनों को हमने एक साथ रखा तो रसूल इस्लाम भी समझ में आएंगे, अहले बैत भी समझ में आएंगे, सहाबा भी समझ में आएंगे। मैं बहुत तवज्जो चाहूँगा आपकी। अगर हमने इन दोनों चीज़ को साथ रखा कि इस्लाम दो चीज़ों का मुरक्कब है, दो चीज़ों की तरकीब, मिक्सचर बनाते हैं डॉक्टर, दवाई देते हैं, हाँ एक चीज़ इधर से दो तीन चीज़ें मिला के बना दी, तो ये डॉक्टर साहब की खुद इजाद है, पेटेंट दवा नहीं है, वो वहाँ से नहीं आई है, ठीक है। और वो नाम भी नहीं बताता, क्यों? इसलिए कि अगर नाम बता देंगे तो आप खुद जाएंगे ढूंढ के बाज़ार से ला के मिक्सचर बना लेंगे, फिर डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बहुत तवज्जो चाहूँगा। फिर डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो जाएगी, आप जाएंगे ही नहीं। बस सुन लीजिए, मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए। तो ये मिक्सचर जो है, ये दवा मिक्सचर से बनी है, मिला करके बनी है। जब तक उसके अज्ज़ा अलग अलग हैं वो मिक्सचर नहीं बनेगा, और जब वो अज्ज़ा मिल जाएंगे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। अगर वो मिक्सचर कामयाब है तो मुफीद साबित होगा, और अगर वो मिक्सचर नाकाम है तो गैर मुफीद साबित होगा। इतनी बात समझ में आती है? अब आइए, इस्लाम का भी यही मामला है। इस्लाम दो चीज़ों के मिक्सचर का नाम है, दो चीज़ों की तरकीब का नाम है। एक को कहते हैं नज़रिया, एक को कहते हैं थ्योरी, एक को कहते हैं इल्म। ये अपनी जगह मुसल्लमात में से है। कोई भी ख्याल उस वक्त तक पुख्ता नहीं माना जाता जब तक के उसके पसे पुश्त, उसके पीछे मजबूत फिक्र, मजबूत मंतिक, मजबूत लॉजिक ना हो। जब तक के वो साइंटिफिक तरीक़े से नज़रिया नज़रिया ना बने तब तक वो ख्याल रहता है, नज़रिया नहीं बनता। तो नज़रिया तो साबित हुआ कि नज़रिया मुस्तहकम है, इससे मजबूत नज़रिया नहीं हो सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नज़रिया मजबूत हो तो उसका प्रैक्टिकल भी वैसे ही हो सके। बहुत तवज्जो चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें, अच्छा ये तलबा जो पढ़ते हैं साइंस, इनको पता होगा तारीख अगर साइंस की पढ़िएगा तो। हम लोग को पढ़ाया जाता था, एक ज़माने में एक साइंटिस्ट गुजरा, उसका नाम उक्लिदस था। उसका नज़रिया था एक ख़ास, और ज़माने तक उस नज़रिए उस थ्योरी पर पूरी दुनियाएं साइंस चलती रही। बाद में गैलीलियो पैदा हुए सदियों साल बाद, और उन्होंने उनके नज़रिए को बिल्कुल बातिल करार दिया। अब उनसे पूछें जो उसी नज़रिए पे दुनिया को घुमा रहे थे और न जाने कितने लोगों को काफिर बता रहे थे। वो नज़रिया बिल्कुल, आज कोई उक्लिदस का नाम नहीं लेता, खाली तारीख में आता है कि ये भी एक साइंटिस्ट था, इसने ये नज़रिया दिया था। अब जब गैलीलियो आ गए तो उन्होंने बिल्कुल थ्योरी बदल दी। अलबत्ता अब हमने तो साइंस इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन इधर के लोग कहते हैं गैलीलियो का नज़रिया दुरुस्त साबित हुआ। हो सकता है दुरुस्त साबित हो, आप कहेंगे मैं मान लेता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि नज़रिया अगर सही हो तो उसका प्रैक्टिकल भी, कोई ज़रूरी नहीं। और अगर नज़रिया ही गलत हो, बाद में आप मुतवज्जे हो
तो ये दुनियाई इल्म में तो मुमकिन है जनाब कि नज़रिया ही सिरे से गलत हो, ज़िंदगी तबाह करके आप मर मरा के चले जाएं और पता भी ना हो कि क्या हुआ, लेकिन दीन में ये नहीं चल सकता। दीन में तो जैसे ही पैदा हुए उसी दिन से सही दीन लेके चलना है, अभी बाबा दादा की ज़िम्मेदारी है और जब आप बालिग हो जाएं तो आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो जन्नत और जहन्नम का फैसला वहीं हो गया। तवज्जो कीजिएगा। तो अब इस्लाम क्या है जनाब? नज़रिया, ख्याल, थ्योरी और उसका प्रैक्टिकल। ये बताइए प्रैक्टिकल कौन करेगा? अब यहीं समझिए देखिए, समझिए इमाम हुसैन सलाम की ज़रूरत है कि नहीं और इस्लाम इमाम हुसैन सलाम से जुड़ा हुआ है कि नहीं। बहुत तवज्जो चाहूँगा। अब जिसने बात इस्लाम की हो रही, जिसने इस्लाम को फैलाया वही इस्लाम का ख्याल भी देगा। पहली बात, जिसने इस्लाम को फैलाया, जिसने पहले इस्लाम की बात की वही नज़रिया भी देगा। तो वो कौन है जिसने सबसे पहले इस्लाम के नाम से इस्लाम की बात की? वो हुसैन के नाना रसूल खुदा हैं। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, ज़रा सा बेदार होने का सबूत कीजिए। दूसरी मुहर्रम है आज, अभी ज़्यादा मजलिसें हुई नहीं हैं, वैसे जैसे जैसे मजलिसें होती वैसे इंशाल्लाह आदमी चार्ज होता जाता है, रूहानियत बढ़ती जाती। खैर अभी इब्तदाई अय्याम है, मसला नहीं है। और सुबह का वक्त, वो भी गर्मी, वो भी बरसात की गर्मी, बारिश भी नहीं हो रही है और बारिश के आसार भी हों, ये भी एक मुश्किल मरहला है। तो इस्लाम की बात सबसे पहले किसने की? रसूल इस्लाम ने। तो अब यहीं से चलिए, फिर इधर उधर ना जाइए। तो जिसने इस्लाम की पहले बात की उसी से इस्लाम लिया जाएगा। अब अगर यहाँ किसी ने गड़बड़ की तो ये मुश्किल आखिर तक जाएगी। दोस्तों समझो इस बात को, मैं नुक्ताबाजी नहीं करता हूँ लेकिन जितना समझता हूँ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के दौर में ये सवाल जवानों के जहन में, पढ़े लिखे जवानों के जहन में उठता है, अगर इस्लाम सच्चा मज़हब है, अगर उसका नज़रिया मजबूत है, अगर उसके पसे पुष्ट गणित है, अगर उसके पसे पुष्ट मंतिक है, अगर उसके पसे पुष्ट फिक्र है, तो गड़बड़ी कैसे हुई, गड़बड़ी क्यों होती गई, यहीं से समझने की ज़रूरत है। जिसने इस्लाम दिया है उसी से इस्लाम लेने की ज़रूरत है। तो जब नज़रिया मजबूत होगा तो नज़रिए में गड़बड़ नहीं होगी, और नज़रिया जब गड़बड़ नहीं होगा तो प्रैक्टिकल सही होगा। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। जब नज़रिया सही होगा तो लैब में बैठने वाला, इम्तिहान करने वाला, आजमाइश करने वाला सही अज्ज़ा को सही जगह से कलेक्ट करेगा, उसके बाद मिलाएगा, तब नतीजा सही होगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ तारीख़ इस्लाम से, मुबल्लिगीन इस्लाम से, सहाबा कराम से, मुफ्तियों से, मुज्तहदीन से, उलमा से, मुतफक्किरीन से, कि जब इस्लाम पैगंबर से लिया तो प्रैक्टिकल कौन करके दिखाएगा? बहुत तवज्जो चाहूंगा, प्रैक्टिकल कौन करके दिखाएगा सिवाय रसूल इस्लाम के? इसका सही प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। हम मान लेते हैं कि पैगंबर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, मिसाल पेश की, नमूना आपके सामने रखा, मगर फिर सवाल ये होता है बाद में भी तो मुसलमान आएंगे, बाद में भी तो यही मजहब चलेगा और यही दोनों चीज़ें चलती जाएंगी। तो नज़रिया तो किताब में महफूज हो जाएगा मगर प्रैक्टिकल कहां से बार बार लेकर के आओगे? बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, कहां से लेके आइएगा? भाई यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। कुछ लोग सहाबा के पास पहुंचने लगे, क्यों? और ये नेचुरल था भाई, जब सवाल पैदा होगा तो जवाब चाहिए कि नहीं? तो अब सवाल पैदा हो रहा है, सवाल पैदा होने में कोई मुश्किल नहीं है, किससे जवाब लिया जाए?
तो एक उसूल बना, वो उसूल ये है कि जिससे इस्लाम लिया है उसी से मिसाल इस्लाम भी ली जाएगी। तो अब सहाबा के पास जाने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, मुमकिन है कि वो खुद न सही समझे हों, मुमकिन है कि जब पैगंबर ने किसी मिसाल को पेश किया हो तो वो किसी काम से शहर से बाहर गए हों, मुमकिन है कि वो बीमार रहे हो, मुमकिन है कि वो खुद दूसरों से पूछ रहे हो। तो जब ये सारे मसाइल हो सकते हैं तो पैगंबर पर वाजिब है कि अपने बाद बगैर गैपिंग के कोई ऐसा मिसाल, ऐसी मिसाल पेश करें कि जिसमें जर्रा बराबर इस किस्म का कोई सवाल पैदा ना हो। तो हम दुनिया वालों से कहते हैं कि पैगंबर ने ऐसा किया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो पैगंबर के इस्लाम पर नक्स है, उनके नजरिए पर नक्स है, उनके कलाम पर आयब है, लेकिन ये जहन मानने को तैयार नहीं। तो अब मानना पड़ेगा कि पैगंबर ने जाते जाते ऐसी मिसालें कायम कर दी कि जिनसे सवाल भी किया जा सकता है, प्रैक्टिकल भी लिया जा सकता है, कोई नक्स और आयब भी उसमें पैदा नहीं हो सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पैगंबर ने कहा सल्लू, अब यह मिसाल दे रहा हूँ, सब सुनी हुई बातें आपकी हैं, हाँ घसीट घसीट के ला रहा हूँ आपको ताकि मैदान बहस से बाहर ना होने पाए। पैगंबर ने क्या कहा, सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, ये मिसाल है। पहले कहा अल्लाह की एक इबादत है, उसका नाम नमाज है, फिर कहा जैसे मैं पढ़ूँ वैसे तुम पढ़ो। भाई आपने कहा नमाज है तो अभी तो इब्तिदा है, कहा क्या पता नमाज क्या चीज़ है, तो अब आप पूछेंगे ना क्या। तो पैगंबर ने कहा मैं बता रहा हूँ, मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ूँ वैसे तुम पढ़ो। बहुत तवज्जो चाहूँगा, जैसे मैं पढ़ूँ वैसे तुम पढ़ो। अब इस मिसाल को लेके चलिए, मिसाल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल की बात, अमल करके दिखाएं। अब ज़रा सा थोड़ा सा तारीख में आपको ज़हमत करना पड़ेगी, खंगालना पड़ेगा। अब सुनिए, आदत नहीं मेरी वाकया पढ़ने की, वाकयात से मैं आपके जहन को इब्तदाई नहीं बनाना चाहता हूँ, बच्चों का जहन नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी ये तारीख का वाकया मुसल्लम वाकया है। अब सुनिए, पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, नज़रिया हो गया, फिर कहा जैसे मैं पढ़ूं वैसे तुम पढ़ो, प्रैक्टिकल हो गया। अब नज़रिया और प्रैक्टिकल एक हो गया कि नहीं, अब कोई मुश्किल नहीं, अब यही आगे चलना चाहिए, जैसी पढ़ी है वैसे ही अगले वाले भी पढ़ें। बहुत तवज्जो चाहूँगा, जैसी पैगंबर ने पढ़ी वैसे अगले वाले भी पढ़ें। अब सुनिए, इसी तारीख में जो सब नकल करते हैं, एक दिन कोई देहाती एक दुम्बा एक बकरा लेकर के आया, कहा या रसूल अल्लाह ये मैं लेकर के आया हूँ मगर ये जायज़ा है, इनाम है, इकराम है हमारी तरफ से आपकी खिदमत में, आप जिसको चाहें दे दें। बहुत तवज्जो चाहूँगा, पैगंबर ने कहा जो दो रकत अल्लाह के लिए नमाज पढ़ेगा ये दुम्बा उसे मैं इनाम में दूंगा। सल्लू कमाराई तुमूनी, तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, जैसे मैं पढ़ूँ वैसे नमाज पढ़ के दिखाओ। सीख लिया, नमाज आ गई, पैगंबर को पढ़ते देख लिया। अब उधर क्या हुआ, पैगंबर ने कहा जो दो रकत अल्लाह के लिए, यही तो कहते हैं नमाज पढ़ता हूँ मैं कुर्बतन, और बताने अल्लाह का मतलब क्या, यानी अल्लाह के लिए। पैगंबर ने कह तो दिया, प्रैक्टिस शुरू हो गई, सभी नमाजें पढ़ने लगे। अब भाई बात है, झूठ का ज़माना नहीं था, आए पैगंबर, अच्छा अगर झूठ बोले तो पैगंबर उधर से फौरन इन्फॉर्म हो जाए, तो अब कैसे कोई या रसूल अल्लाह बहुत सख्त, क्या हुआ, हम वहाँ
अब ये सोच रहे थे, वो सोच रहे थे, ये सोच रहे थे, सारी बातें हम ये करेंगे वो करेंगे, दुनियादारी की सवाल। अली तुम भी मुकाबले में मौलाए कायनात को भी, मौला ने भी एक दो रकत की नमाज पैगंबर के हुजूर में, सहाबा के मजमे में, आपने भी, और मौलाए कायनात खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए। अब ज़ाहिर बात है पैगंबर ने कहा, ख़त्म, कोई नुमाइश तो हो नहीं रही है, ये तो हम सुन रहे हैं तो जैसे लग रहा नुमाइश हो रही है, सुनने में नुमाइश है मगर असल में नुमाइश नहीं है। पैगंबर तो दर्स दे रहे हैं, पैगंबर तो तरबियत कर रहे हैं असहाब की, जो अंदाज़ तरबियत है पैगंबर का। अब पैगंबर ने कहा और मौलाए कायनात ने, खैर साहब अपने अपने कामों में, सभी सोच रहे कैसी नमाज, कहाँ कुर्बतन अल्लाह, उधर दुम्बा बधा हुआ है, चिल्ला भी रहा होगा, ये बोलता सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अच्छा वो चिल्ला रहा होगा कि मैं हूँ जायज़ा बनने के लिए, हो सकता है उसके भी दिल में कुछ ख्याल हो। तो उधर जनाब मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ के सलाम जैसे ही आपने फेरा, खिदमत पैगंबर में आए, दीगर असहाब भी मौजूद, ख़ुद मौलाए कायनात ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ी मगर मेरे दिल में एक ख़याल था, एक ख़याल आया, अल्लाह अल्लाह कैसे बुजुर्गान, कैसे अजीम लोग थे ये। कहा या रसूल अल्लाह मगर मेरे दिल में ख़याल आया। कहा वो ख़याल क्या था? कहा मेरे दिल में जब मैं सलाम फेर रहा था तो ये दिल में ख़याल आया कि अगर ये मुझे इनाम में जानवर मिला तो मैं इसे राह खुदा में क़ुरबान कर दूँगा, तो जो चाहूँगा मैं इसे राह खुदा में क़ुरबान कर दूँगा। पैगंबर ने जैसे ही सुना कहा अली ये भी क़ुरबतन लिल्लाह ही है, तुमने नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बहुत तवज्जो चाहूँगा। अब फिर लौट के आइए तो इधर पैगंबर ने कहा नमाज पढ़ो, खुद पैगंबर ने नमाज पढ़ के दिखाई, तो अब तो पैगंबर हैं। अब मसला ये है पैगंबर के बाद भी इसी किस्म की एक मिसाल हो तो हमने ये भी देख लिया तारीख़ में पैगंबर की ज़िंदगी में कि पैगंबर जैसी मिसाल पैगंबर की ज़िंदगी में मौजूद है, तो अब सहाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, पैगंबर ने बता दिया कि हमारे अहले बैत हैं, अगर तुम हमारे नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो हमारे बाद हमारे अहले बैत में वही तमाम खसूसियात होंगे जो तुम आज हमारे अंदर देख रहे हो, तो अब कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। जब मेरी आंख बंद हो तो अली के दरवाजे पर चले जाना, अली तुम्हें आखिर तक पहुंचा देंगे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये आखिर तक इमाम हुसैन तक जाएगा, देख लीजिए इस्लाम का सिलसिला आगाज़ और अंजाम। दो मकतब, दो स्कूल, दो तर्ज तफक्कुर कायम हुआ। एक को कहते हैं मकतब सहाबियत, ये बाकायदा है किताबों में और इस्तिलाहात में है मकतब सहाबियत, एक है मकतब अहले बैत। मकतब सहाबियत दुनिया में आज आप देख सकते हैं, एक है मकतब अहले बैत यानी पैगंबर के बाद हम अपना दीन किससे लेंगे। कल मैंने तारीख़ इस्लाम आपके सामने पढ़ी थी कि इस्लाम का आगाज़ कहाँ से हुआ। आप इस्लाम की तारीख जब पढ़ेंगे तो आपको जगह जगह गुर्बत, मजलूमियत, महरूमियत इस्लाम की तारीख में दिखाई देगी। इस्लाम का आगाज़ कोई तालियों से नहीं हुआ है, फ़र्श बिछा करके नहीं हुआ है, सलावात और दुरूद से नहीं हुआ है, फूल बरसा करके नहीं हुआ है, गालियों से हुआ है, तमस्खुर से हुआ है, मजाक से हुआ है, पत्थरों से हुआ है, तलवारों से हुआ है, खूरेजी से हुआ है। आप कहेंगे किसने खूरेजी की,
किसने खून बहाया? यही क्लियर होना है फर्श अज़ा पर, इस्लाम ने कभी खून नहीं बहाया। तवज्जो चाहूँगा, इस्लाम ने आगाज से खून कभी नहीं, उसकी शुरुआत मज़लूमियत से है और उसका इख्तिताम मज़लूमियत पर है। इस्लाम का आगाज मज़लूमियत से, इस्लाम का आगाज महरूमियत से। इस्लाम का आगाज़ कैसे हुआ? पैगंबर ने एक टीले पे, एक पहाड़ी पे खड़े होकर के कहा, तुम अल्लाह को छोड़ करके अपनी बनाई हुई चीज़ों की इबादत करते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि बनाने वाला अफजल है या बनने वाला अफजल है? इतनी तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती। आओ मैं तुम्हें एक ऐसे खुदा का पता बताता हूँ जो तुम्हारे दिल में मौजूद है, तुम्हारी फितरत में है, मगर तुम इजहार नहीं कर पाते, तुम भटक गए हो। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, कामयाब हो जाओगे। ये इस्लाम का आगाज़। बताइए कहाँ डंडा है, कहाँ लाठी है, कहाँ खुरेजी है, कहाँ तलवार है? यही वो बहुत ही सादा सादा सी पैगंबर की आवाज़ थी कि इसके अंदर इतनी हमदर्दी थी, इतनी दिलसोजी थी, इसका दामन इतना वसी था, इतना बेतकल्लुफ़ था कि जितने दबे कुचले उस मुशरिकीन मक्का में ग़ुलामी कर रहे थे, सबसे पहले वो खिंचते हुए पैगंबर की तरफ चले आए। उन्होंने अपनी फितरत की आवाज़ महसूस की। क्यों? उनके आका उन पर जुल्म कर रहे थे, उनके रुआसा उन पर जुल्म कर रहे थे, उनसे बेगारी ले रहे थे, उनसे मजदूरी ले रहे थे, खाना नहीं देते थे, चप्पलों से उनका इस्तकबाल करते थे, ज़मीन के ऊपर लिटा करके उनसे भारी भरकम वजनी चीज़ें उठाते थे, ऊँटों का जैसा सलूक, जानवरों जैसा सलूक। अब जब पैगंबर ने कहा कि नहीं, ना अरब को अजम पर फजीलत है, ना अजम को अरब पर फजीलत है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, तो ये आवाज़ नई नई सी लगी। जहाँ के ऊपर जिनके पास पैसा होता था वो गरीबों को सताते थे, हर किस्म का काम लेते थे, तौहीन अलग करते थे, और जब जी चाहता था कत्ल कर देते थे। जब जी चाहता था कोई कुछ नहीं कह सकता था। ऐसे में इस्लाम आया, ऐसे में पैगंबर की निदा ला इलाहा इल्लल्लाह गूंजी मक्के में। किसने लब्बैक कहा? जितने पैसे वाले थे सब घर बैठे रहे। क्यों? इसलिए कि उनको ज़रूरत नहीं थी। आज भी दौलत का मिजाज यही है और आइंदा भी यही रहेगा। बहुत तवज्जो चाहूँगा, दौलत का मिजाज यही है, वो कभी आखिरत पर नज़र नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि वो देख रहा है कि उसके पास रोटी मुहैया है, वो भूखा नहीं है। तो जिसका पेट नहीं जलता फिर वो किसी के बारे में और अपनी आखिरत के बारे में भी नहीं। यही उस वक्त भी मिजाज था, लेकिन पैगंबर सबके लिए आए थे। दीन फ़कत किसी दबे कुचले या गरीब फ़कीर के लिए नहीं है, सबके लिए। क्यों? इसलिए कि दीन का पैगाम ये है कि हम तुम्हें खुशबख्त करना चाहते हैं, सईद बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी दोनों जगह सरफराज करना, ये दीन का पैगाम है। लिहाजा रईस नहीं आए, कबीले के सरदार नहीं आए, करीब आए, बिलाल जैसे, सुमैया जैसे, यासिर जैसे, सुहैब रूमी जैसे, अबू ज़र जैसे, सलमान फ़ारसी जैसे, जितने भी लोग थे ये पैगंबर के पास आ गए। अब आपको मालूम है पैगंबर के दामन में किन किन कैसे कैसे लोगों ने पनाह ली है? सुनने की चीज़ें। पैगंबर के पास एक तबका था मदीने में जिनको असहाब सुफ़ा कहा जाता था,
अस्हाब सुफ़ा, ये कौन लोग थे मालूम है आपको? ये जज़ीरे अरब मक्का जिसे हिजाज़ कहा जाता है, शामात शाम का इलाका, ताइफ़ यमामा यमन का इलाका, इराक़ का इलाका, मुख्तलिफ़ अरब के जो इलाके थे और जहाँ जहाँ पैगंबर की आवाज़ पहुँची, उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया। बहुत तवज्जो चाहूँगा, देखिए इस्लाम की रूह क्या है और कितना अट्रैक्शन है इस्लाम में, कितनी जाज़बियत है इस्लाम में, कि इस्लाम की जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी। अब आप खुद सोचिए, ये बताइए, छोटा सा छोटा भी आदमी हो तो कुछ तो घर गृहस्थी होगी कि नहीं होगी? अरे बाल बच्चे तो होंगे, आसान है बाल बच्चों को छोड़ देना, कोई अपने बच्चे को छोड़ दे, कोई अपने घर वालों को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, पैसा छोड़ दे, दौलत छोड़ दे, ज़मीन जायदाद छोड़ दे, खेत खलियान छोड़ दे, है किसी में दम, किसी में ताकत, कोई चीज़ है आपके पास? ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में ताकत थी। इधर जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग भागे हुए कि जैसे चुंबक खींचे पैगंबर के पास पहुंच गए। जब यहाँ आए तो जाहिर सी बात, पैगंबर को अल्लाह ने दौलत नहीं दी थी, दौलत से इस्लाम को नहीं पहुँचना था, मोजज़े से इस्लाम को नहीं पहुँचना था, अक्ल के रास्ते से इस्लाम को पहुँचना था, मोहब्बतों से पहुँचना था। लिहाजा ये पैगंबर लकीरें कायम कर रहे थे। असहाबे सुफ़ा के पास बदन ढाकने के लिए कपड़ा नहीं था। दोस्तों सुनो ये कहानी, देखो इमाम हुसैन की कहानी, पहचानो करबला का इस्लाम से क्या रब्त है। असहाबे सुफ़ा जो खालिस मुसलमान थे, बदन ढाकने के लिए कपड़ा नहीं था। मस्जिद नबवी में जो सादा सी मस्जिद थी, छत भी नहीं थी, जब नमाज होती थी तो एक बहुत मामूली सा पर्दा, खुरदुरा सा डाल दिया गया था, जो बाद में तहैया हुआ, उससे पहले पर्दा भी नहीं था। तो ख़वातीन भी आती थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पहली सफ़ों में मर्द होते थे, बिल्कुल अकब में पीछे ख़वातीन होती थी। तो इन हज़रात के पास बदन ढाँकने के लिए नहीं था, बिल्कुल एक मामूली जैसे तौलिया अपने सत्र को छिपाने के लिए इनके पास, बाद लोग के पास बहुत ही मामूली, वो भी फटा हुआ। तो पैगंबर ने कह रखा था कि जब तक मर्द सजदे से सर ना उठाएं, ख्वातीन सजदे से सर ना उठाएं। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, यह इस्लाम की तारीख़ है, यह इस्लाम की तारीख़ है, आगाज़ है इस्लाम का। आज कहा जाता है तलवार के बल पर, आज कहा जाता है इस्लाम ने खूनरेजी, तारीख़ बदल दी, हिस्ट्री बदल दी। इस्लाम की तारीख ये है जो किताबों में महफूज है, सबने लिखा। कौन लोग थे इस्लाम की हिमायत करने वाले? जिनके पास दौलत नहीं थी, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके बदन के ऊपर कपड़ा नहीं था, सिर्फ इस्लाम की कुव्वत रूहानी की बुनियाद पर, जिसमें वो सुकून महसूस करते थे, सब कुछ छोड़ करके पैगंबर के पास आ गए थे। एक खजूर पूरा दिन गुजर जाता था, एक खजूर पे। हम लोग की पोजीशन बहुत अच्छी है, हम लोग की पोजीशन बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सब कुछ है, मगर सदर अव्वल के मुसलमानों की पोजीशन बहुत ख़राब थी। मगर हाँ, दुनिया की दौलत नहीं थी, मगर एक दौलत उनके पास थी। तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी, दुनिया की दौलत उनके पास नहीं थी, मगर एक दौलत थी। वो कौन सी? इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत। जब भी दुश्मन से मुकाबला हुआ, कभी उन्होंने अपनी दौलतों पर, तलवारों पर, घोड़ों पर, असलहों पर भरोसा नहीं किया। वो जो शमय ईमानी उनके दिल में टिमटिमा रही थी, उस पर भरोसा किया, और जब तक उस दौलत पर भरोसा किया, कामयाब होते गए। जिस दिन जंगे उहद में अपने असलहे पर, अपने बाजुओं पर उन्हें इतराहट हुई, उसी दिन नाकाम हो गए।
جنگ بدر میں کامیاب ہوئے، مختصر سی جماعت تھی، جنگ احد آ گئی، کہہ لگے وہاں وہ دیکھو سب لوٹ رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، زرہ ہے، بختر ہے، اور بہترین گھوڑا ہے، اور تلوار ہے، یہ ہے وہ ہے، دیجئے جناب میدان چھوڑ کے فرار کر گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ آج بھی دنیا میں لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں مگر پتہ نہیں ہے ان کو، بہت توجہ چاہوں گا، آج بھی مال غنیمت لوٹنے والے آج بھی لوٹ رہے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دل سے ایمان کا چراغ بجھ جائے اور دنیا دل میں داخل ہو تو سمجھ لو کہ وہ مال غنیمت لوٹنے والی فکر ہے، اور اگر دل میں ایمان ہے، ہاں یہ امامہ بھی ہو سکتا ہے بھائی صاحب، یہ ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، یہ شیروانی والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ابا چوگا والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوٹ پینٹ پہننے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی دولت رخصت ہوئی، اسلام دل سے گیا، دنیا داخل ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اسی وقت سے خطوات الشیطان، شیطان کی راہیں دائیں بائیں ادھر ادھر سے آپ کو گھیرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے گا، صراط مستقیم سیدھا ہے اور مختصر ہے، یاد رکھیے اس جملے کو، یاد رکھیے، بزرگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہوگا وہ شارٹ ہوگا، کبھی طولانی نہیں ہو سکتا، سیدھا راستہ ہمیشہ۔ اور یہ ہوتا ہے کیوں، دیر ہو گئی، راستہ بھٹک گئے تھے، توجہ چاہوں گا، کیوں دیر ہو گئی، راستہ بھٹک گئے تھے، ارے اس گلی میں، پھر وہاں پوچھا، پھر وہاں انہوں نے کہا، پھر وہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانی راستے اسی دنیا میں گھماتے رہتے ہیں، چکر لگاتا رہتا ہے، آدمی منزل تک نہیں پہنچتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، سیدھے راستے پہ رہو اور شیطان کی راہوں پر نہ جاؤ، اس لیے کہ شیطان کے پاس راستہ نہیں، راہیں ہیں۔ شیطانی ابا کی ڈیمانڈ کچھ، اما کی ڈیمانڈ کچھ، ٹیچر کی ڈیمانڈ کچھ، اسکول کی ڈیمانڈ کچھ، ملک کی ڈیمانڈ کچھ، سیاست دانوں کا حربہ کچھ، یہ سب شیطان ہیں، یہ سب شیطان ہیں۔ ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، شارٹ بھی ہے، مختصر بھی ہے، سیدھا بھی ہے۔ سیدھے چلنے میں کیا آپ کو زحمت ہے، ٹیڑھے کیوں چلتے ہیں بھائی؟ جس کو ڈسک ہو جاتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، دیکھیں ٹیڑھے نہ ہوئیے گا، سیدھے لیٹیے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے ایمان میں ڈسک پیدا ہو، سیدھے چلیے۔ ڈسک یعنی کمر کا درد، بتائیں کمر میں اگر درد پیدا ہو جائے گا تو آدمی رک پائے گا؟ اس کو ضرورت ہوگی کہ ہم کو ریسٹ، تھوڑا سا آرام کرے۔ تو ایمان میں بھی ڈسک پیدا ہو سکتا ہے، اسلام میں بھی ڈسک پیدا ہو سکتا ہے، اور تاریخ اسلام میں اگر آپ نگاہ کرے تو ایسے بڑے بڑے لوگ اس بیماری کا شکار رہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، بس بڑے بڑے لوگ نصیحت بھی کی کہ ارے اگر میں ذرا سا ادھر ادھر، مگر ایک راستہ ہمیشہ وہ اہل بیت کا راستہ، ہمیشہ سیدھا رہا اور اسی راستے پر بار بار۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ سوال ہو ذہن میں، ممکن ہے، ہو سکتا ہے سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھی ممکن ہے کچھ وجوہات کی بنیاد پر جو سیدھے راستے پر ہے سیدھے راستے سے ہٹ جائے، ہو سکتا ہے، اس کی نہیں ضمانت لی گئی ہے، یہ صرف معصوم کے لیے ضمانت ہے کہ وہ شروع سے آخر تک سیدھے راستے پر رہے گا اور سیدھا راستہ دکھائے، غیر معصوموں کے لیے ہرگز ضمانت نہیں ہے۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج دنیا میں کچھ دکانیں مذہب کے نام پہ کھلی ہوئی ہیں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔
कुछ दुकानें मज़हब के नाम पर खुली हुई हैं, लिबास पहने हुए हैं, मुकत्ता चुकत्ता हैं, बहुत ही माशाल्लाह यानी ज़ाहरी अलामतें जो दीन की होती वो सब। उसके बाद वो आएंगे, वो कहेंगे कि हमने आज ऐसा और हमने ऐसा देखा, वो कहेंगे हमने ऐसा, तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं, मेरी बात आप मान लीजिए, मैं बड़ा रूहानी हूँ, बड़ी मंजिलत पर पहुँचा हुआ हूँ। यकीन कीजिए, ये जितने लोग हैं इस्लाम की गणित से नाशना है। इस्लाम में कहीं कोई ख्वाब ख्याल की बात नहीं होती। इस्लाम में अक्ल से बात शुरू होती है, हिसाब व किताब की बात होती है, और कहते हैं कि सुनो समझो, समझ करके मानो। अब बीच में अगर आप कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, तो चाहे कोई भी हो, पहले दिन से अगर ख्वाब की बातें की तो इसका मतलब मिजाज इस्लाम से आशना नहीं। हाँ, अगर कहीं कोई बात आ गई तो उसका मसला नहीं, क्योंकि ख्वाब की एक हकीकत है, उसके अपने शरायत हैं। लेकिन अगर कोई ख्वाब ही के ऊपर पूरा मज़हब, और हमने ये ख्वाब देखा कि ये होना चाहिए, और उन्होंने ये ख्वाब देखा, उनसे ये कहा गया, और साहब उन्होंने ख्वाब देखा, उनको ये बशारत हुई, आज़ादारी भी इसी पे चलने लगी हमारी, आज़ादारी भी हमारी धीरे धीरे इसी रास्ते पर। तो ये बताइए कि अच्छी अच्छी बातें कहते कहते बहक कैसे गए आप बीच में? हाँ, अगर ऐसे ही रहा तो कल कहेंगे अरे इमाम हुसैन सलाम थोड़ी करबला में गए थे, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, अली अगर थोड़ी शहीद हुए थे, एक तवहुम है, अरे दुश्मन तो होते ही हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग शक करने में तरदीद नहीं कर सकते, करते अच्छे अच्छे लोग, अगर उनके सामने आप ज़र्रा बराबर भी हकीकत को शक व तरदीद के साथ गुफ्तगू करें, तो अगर उनके पास मेयार नहीं है तो शक का शिकार हो जाता है, फौरन सोचने लगता है हाँ मुमकिन है। तारीख़ में हुआ है, तारीख़ इस्लाम में मौलाए कायनात के साथ हुआ है, ये आपको पता है। मैं तो इसलिए लड़ने आया, सिफीन में शाम से लड़ने वाला, अमीर शाम की तरफ से आने वाला। किसी ने पूछा कि तुम अली इब्ने अभी तालिब से लड़ने आए हो? कहाँ लड़ने आया हूँ। कहा क्यों? इसलिए कि वो नमाज नहीं पढ़ते जी, यानी वो कुर्बतन इल्लाह लड़ने आया है, अली को बेनमाजी समझ रहा है। इसकी खता नहीं है, उस मशीनरी की खता है जो शाम में है, जिसको सहाबियत का दर्जा दिया गया, जिसको सहाबी रसूल बताया गया, जिसको कातिबे वही बताया गया। आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे अमीर शाम के फॉलोअर्स मौजूद हैं जो इसको अमीर अल मोमिनीन कहते हैं, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं। अगर इससे दुनिया पुर हो जाए तो आज भी यजीद पैदा हो सकता है। अभी अली मौजूद हैं, अम्मार यासिर जैसा सहाबी मौजूद है, एक से एक सहाबी मौजूद है, और आने के बाद अच्छा हुआ उससे पूछा गया, अच्छा हुआ कि उसने इजहार कर दिया, पता तो चल गया कि कैसा माइंड मेकअप किया गया है, कैसी पब्लिसिटी हुई है। इसीलिए आज़ादारों को चाहिए कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते रहें, आलिमों से मुत्तसिल रहें, और अपने सवालात करते रहें। जवाबात ये नहीं कि कोई चीज़ मोबाइल पे आ गई अब समझ गए हाँ यही है जो बोलने वाला, ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों मेरे बुज़ुर्गों। अगर यही बात हो जाए तो फिर किताबों को दफन कर देना चाहिए, कुरान मजीद को दरियाबूत कर देना चाहिए, नहजुल बलागा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैगम्बर की नबूवत की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हम दुनिया वालों से सीख ले। हम तो इसलिए बनाए गए कि कुरान कहता है अंतुम, कुरान कहता है
तिल का उम्मतुन वसत, ये जो मुसलमान हैं ये उम्मत वसत हैं, बीच की उम्मत है, ना पहले ना बाद, बिल्कुल मिडिल की हैं, ताकि पहले वालों को भी जोड़ें आखिर वालों को भी जोड़ें। तो जब मुसलमान उम्मत वसत है तो उम्मत वसत का किरदार ये है कि अक्ल मंतिक कुरान मजीद की तालीमात अहले बैत का कैरेक्टर ले करके आगे बढ़े, खुद आप और हम सिखाएं, ना कि हम दूसरों से सीखें। हम तो दूसरों की बातें हम कर रहे हैं इस वक्त। इमाम हुसैन हो, चाहे कुरान हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बीबी जहरा हो, हम दूसरों से न जाने कैसी कैसी बातें आप देख लीजिए। ये नौहा पढ़ने वाले भी अजीब व गरीब निकल आए हैं। नौहे में म्यूजिक, नौहा किसको कहते हैं, लफ्ज़ नौहा क्या मतलब है, शेर की कितनी किस्में, उसमें से एक नौहा है। नौहे का मतलब क्या है, गिरिया। गिरिया कहाँ, महफिल में होता है, शादी में गिरिया होता है, रक्स सुरूद की महफिलों में गिरिया होता है। गिरिया जहाँ ट्रेजडी होती है, जहाँ अलमिया होता है, जहाँ हादसा होता है, जहाँ कोई मैयत हो जाती है, जहाँ कोई गम होता है, वहाँ होता है नौहा। तो नौहा इसलिए था ताकि करबला के गम को हम नौहे की मदद से उजागर कर सकें, पेश कर सकें। अब नौहे में, अब मैं एक जुमला कर, ये वो लोग हैं, बहुत तवज्जो चाहूँगा, ये वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सके, अब यहाँ आजमाइश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मचलती हुई तमन्नाएं पूरी नहीं हो सकी। अरे पैसा नहीं था, या हो सकता है सूरज शक्ल इतनी अच्छी ना रही हो और वहाँ की फ़ज़ा से साजगार ना रहे हो, या कोई और बात ना रही हो। तो अब इससे बेहतर क्या, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा गरीब कौन है। ऐसे ऐसे धुने बनाने लगे, बल्कि बाद लोगों ने तो साबित ही कर दिया, नौहा पढ़ते पढ़ते कव्वाली गाने लगे, नौहा पढ़ते पढ़ते। अब भी आप इनके नौहे सुने, अब भी हम इनको कलेजे से लगाए रहें, तो इसका मतलब करबला की लॉजिक हमारे पास नहीं है। करबला भी हमारे जहन में एक रस्म है। अच्छा, मेंबरों पे, ये मेंबर, मेंबर रसूल, एक और भ्रम फैलाया गया और फैलाया जा रहा है, उसको सुन लीजिए। आपने बारह सुना होगा, हम भी सुनते रहते हैं, हमारे ही लोग हैं, और करबला ही तो बेहतरीन, मुहर्रम तो बेहतरीन मौका है कि असली इस्लाम का नज़रिया वाज़ह किया जाए, बताया जाए, तब तो हुसैनियत पता चलेगी क्या है। ओ जनाब तकसीम बंदी, मेंबर तो हमें गदीर से मिला है, बराबर सुनते रहते हैं, नारे हैदरी भी लगता है। मेंबर गदीर से मिला है आपको, आपको मेंबर की तारीख नहीं पता है। मेंबर गदीर में नहीं, मेंबर मस्जिद नबी में बना है, तवज्जो चाहूँगा। मेंबर की तारीख ये है, मेंबर मस्जिद नबवी में पहले पहल बना, एक सुतून था खजूर का, जब मस्जिद बनी तो वो काट दी गई खजूर, वो सुतून रह गया। आप भी देखते हैं, पेड़ काट दिया जाता है, उसका वो तना रह जाता है। पैगंबर उससे टेक लगा करके इस्लाम की बातें बताते थे। उसके बाद किसी बढ़ी ने, किसी सहाबी ने पैगंबर के लिए तीन या चार अरशे का ऐसे ही इसी शक्ल का एक मेंबर बनाया, पैगंबर उस मेंबर पर आ गए। तारीख में है, एक मरतबा रोने की आवाज़ सुनाई दी, साहबी घबरा गए, या रसूल अल्लाह, पैगंबर ने कहा ये तना गिरिया कर रहा है, और अपने ज़बान बेज़बानी से कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आप मुझसे टेक लगा के गुफ्तगू करते थे। अल्लाह अकबर, जब इलाही नुमाइंदा होता है तो कायनात की हर चीज़ उसकी नुमाइंदगी को महसूस करती है। या रसूल अल्लाह, आपने टेक लगाना छोड़ दिया, पैगंबर ने दस्ते शफ़क़त रखा, बस इतना काफ़ी था। रोने की आवाज़ बंद हो गई, पैगंबर मिंबर पर आ गए, और उसी मिंबर से त
तवज्जो चाहूँगा मैं आपकी। उसी मिंबर से पैगंबर ने इस्लाम की बातें करना शुरू की। अब मैं आपको जुमला बदल करके कहना चाहता हूँ, ये ना कहिए हमें गदीर से मिंबर मिला, ये कहिए हमें गदीर से मौला मिला। तवज्जो चाहूँगा, ये ना कहिए हमें गदीर से मिंबर मिला, ये कहिए हमें गदीर से मौला मिला। और हमें मिंबर तो पहले ही मिल गया था। मैं तो ये समझता हूँ पैगंबर ने पहले मिंबर बनाया, बाद में ऐलान विलायत किया ताकि पता चल जाए जिस मिंबर से इस्लाम फैलेगा उसी मिंबर से इस्लाम का पासवान भी तारुफ कराया जाएगा। इस्लाम और इमाम, इस्लाम और विलायत, इस्लाम और नुमाइंदगी रसूल, ये है मुकम्मल बात। ये नहीं है कि एक चीज़ आप ले लेते हैं दूसरी चीज़ छोड़ देते हैं। आप अहले बैत को इस्लाम से अलग देखते हैं, ऐसा लगता है आपकी बातों से? अगर पैगंबर के बाद इस्लाम और अहले बैत दोनों ना साथ हों तो क्या रह जाएगी? सहाबियत ही तो रह जाएगी, इसके अलावा रहेगा क्या? लिहाजा इस्लाम रसूल इस्लाम, इस्लाम विलायत इस्लाम, इस्लाम और इमामत इस्लाम, ये होना चाहिए बात, ये कहना चाहिए बात। और उसके बाद जो क्लाइमेक्स इसका होता है, लिहाजा गदीर के मिंबर से तो विलायत की बात होगी, नमाज और रोज़े की बात नहीं होगी। फिर मैं कहूँगा समझने का फेर है, जब इस्लाम की बात होगी तो नमाज रोज़े की बात होगी, जब इस्लाम की बात होगी तो विलायत की बात होगी। आप तन्हा एक चीज़ की बात कीजिएगा तो बात हो जाएगी नाकिस। दोनों को साथ साथ ले कर चलिए। और उसकी दलील क्या है? मुवस्सख हदीस सब ने नकल की है, पैगम्बर ने एक चीज़ नहीं छोड़ी, दो। यह है करबला का कंसेप्ट, यह है वाकए करबला। इसी इमामत को, इसी विलायत को जिसका ऐलान गदीर से हुआ था, सैयदुश्शुहदा ने अपने अमल से फिर पेश किया और दोहराया ताकि भागी हुई उम्मत, भटकी हुई उम्मत, जाहिल उम्मत, दुनियादार उम्मत फिर से एक नुक्ते पर जमा हो सके। ये इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उम्मत की भी एक जिम्मेदारी थी कि वो कबूल करती, मगर उम्मत ने कबूल नहीं किया। उम्मत ने कबूल नहीं किया, इसीलिए वाकए करबला हुआ, इसलिए कि जिम्मेदारियां बटी हुई थीं। एक कायद का किरदार था, एक इमाम का किरदार था और एक उम्मत का किरदार था। इसीलिए बार बार इमाम ने खुतबा दिया इत्माम हुज्जत की। किसी सहाबी ने कहा कि अबना रसूलल्लाह इजाज़त दें, ये इस वक्त दुश्मन हमारी जद पे है, मैं इसी वक्त इसको हलाक कर दूं। देखिए इस्लाम की नुमाइंदगी। इमाम ने कहा नहीं, हम पहल नहीं करते, हम जंग में पहल, यह है इस्लाम। आज इस्लाम को जंग से जोड़ा जाता है। इमाम हुसैन इस्लाम के नुमाइंदा हैं 61 हिजरी में, कहते हैं हम जंग में पहल, सामने दुश्मन है, वो भी कोई और नहीं शिम्र। अगर मार दिया गया होता तो क्या इमाम का सर तन से जुदा होता? लेकिन फिक्र दे रहे हैं इमाम कि गलती से पहले, खता से पहले, जुर्म के इर्तिकाब से पहले मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती। ये उसूल कायम किया इमाम ने, कहा नहीं हम जंग में पहल नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये अशरे की मजलिसें हैं, आप बड़े इन्हमाक से सब कुछ छोड़ करके इस गम को कलेजे से लगाए हुए, अपने दिल से लगाए हुए फर्श अज़ा पा जाते हैं, गिरिया करते हैं, सीना जनी करते हैं, नौहा पढ़ते हैं, अपने रूह को ईमान से ताज़ा करते हैं।
क़ुव्वत मिलती है। आज 1400 बरस बाद ये ज़िक्र होता है तो दिल में हरारत पैदा हो जाती है। कैसे लोग थे, मौत सामने रक्स कर रही थी और ये मौत को देख के मुस्कुरा रहे थे। अल्लाहु अकबर। हर छोटे बड़े का एक ही जज्बा था, कब इमाम की नुसरत का मौका मिले, कब इमाम की इजाज़त मिले। कल की मजलिस में मैंने आपके सामने सफ़ीर हुसैनी का ज़िक्र किया, मुस्लिम इब्ने अकील का ज़िक्र किया। हकीकतन करबला से पहले मुस्लिम की शहादत मुकद्दमे करबला है, तमहीद करबला है, दिबाचे करबला है। बहुत दर्दंगेज़ शहादत, बहुत करबंगेज़ शहादत। आलम गुरबत कोई नहीं, मगर तन्हा मुस्लिम कूफे में मारे नहीं गए। पैगंबर का बूढ़ा सहाबी हानी बिन उरवा भी शहीद किया गया, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई। तन्हा मुस्लिम और हानी नहीं मारे गए, कैस इब्न मुसहर सौदावी असदी भी इसी रास्ते में क़ुरबान हुए। कौन कैस, जिसको मुस्लिम के बाद हमारे इमाम ने कूफे पैगाम भेजा था कि ऐ कैस जाओ, ये हमारा पैगाम लेकर के जाओ और कूफे वालों को बता दो कि मैं फुला जगह पहुंच चुका हूँ। ये लोग करबला में नहीं शहीद हुए, ये सब करबला से पहले। कौन है कैस? बहुत तवज्जो चाहूँगा मैं, जल्दी जल्दी आपकी ज़हमत तमाम करना चाहता हूँ। कैस रास्ते से गिरफ़्तार हो गए। हसीन इब्न नमीर, उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद का जो दारोगा है, उसने कैस को गिरफ़्तार किया। जासूसों ने बताया कि इमाम हुसैन की तरफ से आए हैं और इनके पास कोई ख़त है। तफ्तीश की जाने लगी, उन्होंने ख़त फौरन फाड़ करके ज़ाया और बर्बाद कर दिया, ख़त नहीं दिया। अल्लाहु अकबर, जुमला है तारीख में। कहा कैस ख़त तो तुमने फाड़ दिया, ये बताओ किसके किसके नाम था। चुनेंगे सुनेंगे जुमला सुने, बहुत तवज्जो चाहूँगा। कैस कहते हैं अगर वो लोग मेरे पैर के नीचे हों तो मैं पैर नहीं उठाऊँगा। तुम नाम बताने की बात करते हो, ऐसे वफादार थे, यानी मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मुझे मालूम है इसका नतीजा क्या है। तुम समझते हो कि हम अपने आका हुसैन के नासिरों और मददगारों का नाम बता दूं? अरे अगर मेरे कदम के नीचे ये लोग हों तो मैं वहाँ से कदम नहीं उठाऊँ, चाहे कदम काट दिया जाए, चाहे मैं मार दिया जाए। हसीन ने गिरफ़्तार करके उबैदुल्लाह के पास भेजा। उबैदुल्लाह के लिए मौका था, कूफे में शिया भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, सब लोग हैं। कहा जाओ ऊंचाई पे जाओ, अली को गालियाँ दो, हुसैन को गालियाँ दो, अहले बैत को गालियाँ दो। ये भी बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से अपने मक्तल की तरफ बढ़ता हुआ ये जवान एक मर्तबा उस स्टेज पर जो शहादत का स्टेज है सजाया गया है और जानता है, बड़े इत्मीनान से उबैदुल्लाह समझा कि मेरे हुक्म की तामील करेगा, तलवार से डर गया है और कैस के दिल में एक तूफान बपा है। यही तो मौका है मीसम, तुम अकेले दार पर नहीं हो, कैस भी तुम्हारे साथ आ रहा है। एक मरतबा स्टेज पर गए, अल्लाह की हम्द सना की, पैगंबर पर दुरूद सलाम भेजा, अहले बैत पर दुरूद सलाम के बाद कहा ए अहले कूफा सुन लो,
मैं अपने आका हुसैन की तरफ से नुमाइंदा बन करके आया हूँ, मैं खत लेकर के आया हूँ, फुला जगह मैंने अपने आका को छोड़ा है, जितनी जल्दी हो सके तुम अपने आका से मुलहक हो जाओ। अरे वो कि जो फातिमा का राज दुलारा है, अरे वो जो अली मुर्तजा का बेटा है, अरे वो जो रसूल खुदा का फर्जंद है, उसकी मदद से दरेग न करना। बस जैसे ये अल्फाज जारी हुए, उबैदुल्ला ने हुक्म दिया इसका सर कलम कर दो। बस अरबाब आजा, मैंने जहमत तमाम कर दी, कैस इब्ने मुसहर का भी सर कलम किया गया और मुस्लिम की तरह से कूफे की गलियों में लाश को फिराया गया। उधर हुर का काफिला इमाम हुसैन को रोकने के लिए करबला की तरफ रवाना हुआ। अरे दो मुहर्रम आ गई, उधर हुसैन का काफिला जिसमें औरतें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक जगह पर पहुंचे। इमाम ने काफिले को रोक दिया, कहा अब्बास अपने दोस्तों को असाब को लेकर के जाओ, पानी भर लो, हो सकता है आगे काम आए। अल्लाह अल्लाह, छगाले भर ली गई, मशके पानी से भर ली गई। काफिला आगे बढ़ा, इमाम ने एक मर्तबा नज़र की सहरा की तरफ, अपने साथियों से कहा ज़रा सहरा की तरफ देखो क्या नज़र आ रहा है। किसी ने कहा यबना रसूल अल्लाह, लगता है कोई आबादी, हम लोग आबादी से नज़दीक हो रहे हैं, खजूरों के दरख्त हैं। कोई दूसरा सहाबी था, कहा यबना रसूल अल्लाह, हम इन रास्तों से आशना हैं, वाकिफ़ हैं, यहाँ कोई आबादी नहीं, मुझे तो लगता है कि ये नैज़ों की अनियाँ हैं, ये तलवारें हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई फौज आ रही है। देखते ही देखते 1000 का लश्कर। इमाम रुक गए, कौन? मैं हुर इब्ने यजीद रियाही हूँ। क्या काम है? उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने हमको भेजा है और कहा जहाँ हुसैन मिले उनको रोक लो, आगे ना बढ़ने दो। इमाम समझ गए ये कूफे से आने वाले लोग थे। इमाम ने कहा हुर पहले मेरी बात सुन ले। हुर रुक गया। इमाम ने अपने साथी को हुक्म दिया, कहा जाओ वो खोरेजीन उठा लाओ जिसमें कूफे के खतूत मौजूद हैं। देखिए इमाम ने तरीक़ा जो अपनाया वो तरीक़ा सुनिए। इमाम को गुस्सा नहीं आया, इमाम ने तलवार नहीं उठाई, कहा वो ख़त लिखे, कहा हुर ये देखो कूफे के लोगों ने मुझे ख़त लिखा था, लिहाजा मैं कूफे की तरफ आ रहा था, मुझे बुलाया गया है, नहीं लफ्ज़ बदल दो, मुझे मेहमान किया गया है, मुझसे नुसरत का वादा किया गया है। और इमाम ने यूँ ही ज़मीन पर ख़त डाल दिए गए। तारीख़ में है 1000 से ज़्यादा खतूत थे। हुर ने कहा फर्जंद रसूल मुझे इन ख़तों के बारे में कोई इत्तला नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे मेरे अमीर का हुक्म ये है कि मैं जहाँ भी आपसे मिलूँ आपको रोक दूँ, आगे ना बढ़ने दूँ, लिहाजा मैं आपको आगे जाने नहीं दूँगा। इमाम को गुस्सा आया, इमाम ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तो क्या चाहता है? हुर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लफ्ज़ ये जुमला सख्त था, मगर इस बहादुर ने ज़ब्त नफ्स से काम लिया और एक जुमला कहा, का फर्जंद रसूल अगर अरब का कोई और सिपाही ये लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल करता तो मुकाबले में मैं भी यही कहता, मगर क्या करूं, मैं आपके बारे में नहीं कह सकता। ये हुर का अदब। वक्त नमाज आ गया, इमाम ने हुर से कहा तू अलग नमाज पढ़ेगा? हुर ने कहा नहीं, आपके होते हुए मैं अलग अपनी जमात नहीं कर सकता। इसका मतलब हुर के दिल में मोहब्बत थी,
सिर्फ गुमराह था, प्रोपेगंडे का असर था, गलत पब्लिसिटी का असर था। कहा नहीं मैं आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। आपके होते हुए इमाम ने नमाज कायम की, अजान हुई, जोहर की नमाज हुई, इमाम जोहर के बाद फिर खड़े हुए। असर से पहले इमाम ने खुतबा दिया और अपने को पहचनवाया, गोया इमाम करबला के लिए हुर को आने की तमहीद कायम कर रहे हैं। हुर समझ गया, हुर समझ गया। एक मर्तबा इमाम ने हुक्म दिया कि काफिला आगे बढ़े, हुर फिर रुकावट बना। इमाम ने कहा कि मुझे ऐसे रास्ते से जाने दो जो ना मदीना जाए ना कूफा जाए। बात इसी पे इमाम आगे बढ़ते गए, एक जगह पहुँचे। अब रिवायत मुख्तलिफ है, मैं बहुत जल्दी से तमाम करना चाहता हूँ। बाज़ रिवायतों में है कि ख़ुद इमाम का घोड़ा रुक गया, जब आगे नहीं बढ़ा तो इमाम ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस जगह को क्या कहते हैं। किसी ने कहा गागरिया कहते हैं। पूछा कोई और नाम है? कहा हाँ, इसे नैनवा कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम है? कहा इसे शत्त फुरात कहते हैं। इमाम ने कहा कोई और नाम है? तो किसी ने कहा हाँ, इसे कर्बोबला कहते हैं। बा इमाम ने जैसे ये नाम सुना घोड़े से ज़मीन पर उतर आए, हुक्म दिया, फरमाया यही वो जगह है जहाँ अल्लाह के चाहने वालों का खून बहाया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को असीर किया जाएगा, यही हमारी कब्रें बनेगी, यही मक्तल बनेगा, यही ज़ियारत करने वाले ज़ियारत करने। बस मैंने ज़हमत तमाम कर दी। हाय इमाम ने गोया दो मुहर्रम को मर्ज़िया पढ़ा, और मगर करबला की तारीख में एक तारीख मिलती है कि इमाम ने खैमे अरे छत फुरात पर नस्ब कराए थे, दरिया था, शायद इस तरह से पानी पहुंचता रहेगा, मगर एक मौका आया, खैमे हटा दिए गए। अब्बास लेकिन मजबूरियों से खैमे हटाए, अरे इमाम का हुक्म था, ए अब्बास खैमे हटा लो, मैं जानता हूँ तुम इतने बहादुर हो, खैमे हटाने के बाद भी तुम्हारे शाने इसी दरिया पर कलम होंगे, सकीना हाय प्यास कहती रहेगी, और तुम अपनी भतीजी को पानी न पिला सकोगे। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें गम सैयदुश्शुहदा में मारिफत इनायत कर। परवरदिगारा हमें इस्लाम की सही शनाख्त दे दे। ए मेरे मालिक, जहाँ कहीं भी फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है, जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन और जुमला मोमिनीन मोमिनात की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा हम में जो बीमार हैं उनको शफाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगारा ए मेरे मालिक, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम होता है। मेरे मालिक, हमारी इस नस्ल को आखिरी ज़माने के फितनों से बचा ले। परवरदिगारा जब हम इस दुनिया से जाएँ तो एक हाथ में दामन अहले बैत, दूसरे में क़ुरान। मेरे मालिक, मुसलमानों में खुसूसन शीयों में इत्तेहाद व इत्तेफाक़ और मोहब्बत पैदा कर। परवरदिगारा हमारे इमाम को हमसे मिला दे, हमारे रफ्तार व किरदार से उनको राज़ी व खुशनूद कर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। मातम हुसैन।